मैं सबसे पहले तो बीएसपी को और नादिर गुल साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगी और उन्होंने हमारी बात भी पेश करूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में वक्त की जरूरत है. शोएब सुल्तान साहब ने जिस तरह से अपनी स्पीच में सारा मैं कहती हूँ कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया, सब कुछ बता दिया किस तरह क्या हो सकता है. ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय हिम और मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप लोग अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं वी आर हेयर टू हेल्प यू बॉल इन इन योर कोर्ट कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं. अगर हम समझें मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड एन जी ओ से इस तरह से है कि मैं बचपन से सोशल वर्क करती थी फिर मुख्तलिफ एन जी ओज और उसमें एज अ मेम्बर एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस तरह से होते होते समझना शुरू किया कि जी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में. जहाँ पर आपकी रिप्रेजेंटेशन या आपकी बात गवर्नमेंट लेवल पर नहीं सुनी जा रही या आप समझते हैं कि आप प्राइवेट हैं वहाँ पर ये इनका एक बहुत बड़ा रोल पूरी दुनिया में है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में है. और पूरी दुनिया में ये भी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अभी कोई नई बात नहीं है कि बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मैं जो देखती हूँ ख़ासतौर पर बलोचिस्तान फोकस बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है कि बलोचिस्तान में चीज़ें बहुत स्लो हैं. या तो हम समझ नहीं सके जैसे सीएम साहब ने कहा, मैं भी कहती हूँ बलोचिस्तान के लोग बड़े लविंग बहुत सादा सिंपल ये सच है बट आई विल इम्प्रूव वन थिंग दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो. लेकिन समवेयर मैं समझती हूँ कि उनको वो गाइडलाइन नहीं मिल रही जो जो एक एक वो लीडरशिप नहीं मिल रही जो उनका राइट है किसी भी लेवल पे प्रोविंस प्रोविंशियल असेंबली और समथिंग बट लोकल लेवल पे भी मैं समझती हूँ कि वो लीडरशिप या वो चीज़ें नहीं हैं. हमारे पास एक्सेप्शनल बेहतरीन है लेकिन हमारे पास एक ग्रुप वर्किंग या यहाँ पर कोई ऐसा सिटीजन का एक प्रेशर ग्रुप हो जाए जो भी हो उस लेवल पे मुझे वो लीडरशिप इतनी ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आती. पीपल आर देयर लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है. सीएम साहब ने वेरी क्लियरली ही गेव हिज थॉट्स दैट ही इज विद यू इट मीन्स गवर्नमेंट इज विद यू. उनका बड़ा क्लियर विजन ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि डिवॉल्व हो पावर लेकिन देर सो मैनी अदर रीजन्स एज ए स्पोर्ट कि ऐसा हो नहीं सका. और मैं यहाँ ये भी ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप पावर को सिर्फ ये ना समझें कि पैसा है. मुझे पैसा नहीं मिल रहा तो मैं ये नहीं कर सकता. मेरे सामने कुछ शख्सियात ऐसी भी बैठी हैं जिन्होंने पैसे से हट के भी बहुत से काम किए हैं. यस पैसा बहुत अहम चीज़ है, फंडिंग ये वो. हमारे बहुत से मेंबर्स ने सिर्फ इसी पे बात की. मेरे सामने डॉक्टर कुरतुल्लाह साहब भी बैठे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में बिल्कुल पैसे से हट के एक चीज़ शुरू की और फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को किया और अपनी तरफ लोगों को लें कि ये इस तरह भी काम कर सकते हैं. मेरे सामने और भी बहुत सी शख्सियात ऐसी बैठी हैं. शोएब सुल्तान साहब खुद उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं. तो मैं कहूँगी कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है. अभी हम बहुत सा टाइम वेस्ट कर चुके हैं. बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर स्टेप पहले उठाया, लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए. ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की एक कंट्रीब्यूशन है. मैं कहती हूँ इसका मतलब है कि वो सीरियस हैं आप तक ग्रास रूट लेवल तक पावर को ले जाने में और उसमें डेवलपमेंट करने में. ऑफकोर्स चीज़ें एक दिन में चेंज नहीं होती या एक टेन्योर में चेंज नहीं होगी लेकिन शुरुआत हो चुकी है. लोकल बॉडीज़ तो आपके पास 2002 में भी आई थी और उसमें भी बहुत काम हुआ, बहुत चीज़ें हुई लेकिन वो सिस्टम वहाँ पर अगर उसकी इवैल्यूएशन की जाए तो आप जो लोकल गवर्नमेंट मज़ीद आगे बढ़ना है. ये बहुत छोटी बातें मेरी नज़र में कि हम सिर्फ इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करेंगे
प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल मेंबर्स के पास इस पर क्या चीजें हैं और हमारे पास क्या है. नो डाउट कि वो इश्यूज एड्रेस करने वाले हैं और वो होंगे, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ उसी पे एम्फसाइज ना करें, आप बाकी चीज़ों को भी साथ लेके चलें कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. और मेरे ख्याल में जो ये यूएसपी और यूरोपीय यूनियन आई हैं और दूसरी और भी तो अपग्रेडिंग एजेंसीज आ रही हैं बलूचिस्तान में, और वो यही जो है प्रपोजल लेके आई हैं कि हम इस देर यहाँ पर हैं और हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल में इससे तो अच्छा कोई एक फोरम नहीं होगा कि हम इनके साथ आगे बढ़ें. चले यहाँ से एक रास्ता बंद है, हम दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं. वो रास्ता भी आधा खुल चुका है, इंशाल्लाह मज़ीद खुल जाएगा. हम भी आपका हिस्सा हैं प्रोविंशियल मेंबर्स, हम भी आपके साथ पूरे कंट्रीब्यूशन आपके साथ चलना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं. दोनों का एक ही जो है वो एजेंडा है कि हम डेवलप करना चाहते हैं अपने सूबे को. तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर स्टांस है, वो पूरी कोऑपरेशन पूरा अपना जो है स्ट्रेंथ आपके साथ लगाना चाहती है, आपके साथ काम करना चाहती है. वी विल सिट टुगेदर, हाउ इट विल बी, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. हम बैठेंगे आपके साथ, जो हमारी डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे. ऑलरेडी वी आर इन इट अदर डोनर एजेंसीज और हम उनके साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से. मैं खुद इस चीज़ की सबसे ज़्यादा हमायत करती हूँ कि जितना काम ग्रास रूट लेवल पर हो सकता है और वो नुमाइंदे कर सकते हैं, वो ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदे हैं, प्रोविंशियल लेवल के नुमाइंदे हैं, मिल के जिस तरह से हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे होने चाहिए और जो ग्रास रूट लेवल के हैं वो उनको बिल्कुल उनके हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं. क्योंकि इलाकों में जैसे हमारे एक मेम्बर ने पिशन से कहा कि वो जानते हैं कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल हम अलग हो के इसको करें, मेरे ख्याल में ये हम अपने साथ ज्यादा करेंगे. हम इकट्ठे बैठ के कहते हैं ना एक और एक 11, तो इकट्ठे बैठ के हम उस चीज़ को मज़ीद जो है बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं. मैं अपने एस मेंबर और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, मेरा तमाम तालमेल आप लोगों के साथ है और बीइंग अ वोकल पर्सन ऑफ एनजीओस एस में मुझे ट्रस्ट किया गया सीएम साहब ने, तो मैं जितने भी मेंबर्स हैं इस वक्त डोनर एजेंसी जो भी हैं, हम इंशाल्लाह बैठेंगे आपके साथ और जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट जिस तरह से हमारी सुल्तान साहब ने रहनुमाई की, हम उनके साथ बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार हैं. मुझे इस बात पे मेरा ईमान है कि जब तक आप खुद अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, आप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, बाहर से आके कोई आपको नहीं करेगा. तो उतना क्लियर मैसेज उन्हें कह दिया सुल्तान साहब ने कि वी आर देयर नाउ डिसाइड कि यू वांट अस और नॉट. तो मेरे हाथ में ये तो भी हमारा फैसला है और हम ही करना है. हमें चीज़ों को बड़ा क्लियरली देखना पड़ेगा. हम छोटे छोटे झगड़ों में पहले ही अपना टाइम बहुत वेस्ट कर चुके हैं, तो हमें अब मज़ीद टाइम वेस्ट के बगैर फौरन हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए. हमें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, हमें अपने जो लोकल बॉडीज़ को है उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में इसी तरह से मज़ीद इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने से जितने भी इश्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हल किए.